नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ने पर रोहतास के स्थानीय पड़ाव मैदान डिहरी में चुला दलित स्वाभिमान सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना का आंकड़ा सरकार की ओर से जुटाया गया और आरक्षण बढ़ाने का उनका फैसला स्वागत योग्य है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी 2024 में पीएम बनेगा और अब की सबको उनकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का 34वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान बड़ी पहाड़ी स्थित आरजेडी पार्टी कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर तेजस्वी यादव का 34वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने केक काटकर तेजस्वी यादव को फोन कर जन्मदिन की बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री हैं माननीय तेजस्वी जी, उनका हम लोग जन्मदिन मनाए हैं और हम जन्मदिन सेलिब्रेट किए हैं और बहुत ही हर्षोल्लास का ये माहौल है, हर्षोल्लास का ये वातावरण है और पंचायती राज प्रकोष्ठ के तहत हमारे वीरन भैया सारा कार्यक्रम आयोजित किए और सभी लोगों को मिठाई बांटे, केक वगैरह भी कटा और अंगवस्त्र भी सभी लोगों को दिया गया है। बहुत ही खुशी का पल है हम सभी के लिए। क्या अपील, क्या मतलब देखना चाहते हैं डिप्टी सीएम हैं आज? हाँ, क्या मैं देखना चाहती हूँ कि जो हमारे डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी जी जो हैं वो एक यूथ आइकन बन चुके हैं और वो हमारे मुख्यमंत्री बने भविष्य में, ऐसी हमारी कामना है। ये हार्दिक शुभकामनाएं हम सभी के लिए हैं और हम लोग उनको सीएम जल्द से जल्द बनते हुए देखना चाहते हैं। क्या नाम लेते हैं? मनोरमा रानी, प्रदेश सचिव महिला विंग। आज हम लोग नालंदा जिला राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कार्यालय में बिहार के युवा के आइकॉन, गरीब गुरबा शोषित वंचितों का आवाज, नौजवान का दिल का धड़कन, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हम लोग केक काटकर जन्मदिन मनाएं और उनकी बहुत सारे अनंत शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं कि उन्होंने दीर्घ स्वस्थ रहें और गरीब गुरबा का लड़ाई लड़ने का काम करें और हम लोग गरीब गुरबा उनको हाथों का मजबूत करेंगे और 2024 और 25 में उनको हाथों को मजबूत करेंगे और बिहार की कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी का 34वां जन्मदिन मनाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ के कार्यालय बिहार शरीफ नालंदा बड़ी पहाड़ी। हम लोग माननीय तेजस्वी यादव जी का धूमधाम से जन्मदिन मनाए हैं, केक काटे, मिठाई खिलाएं, सब मिलकर एक दूसरे में हंसी खुशी से मना लिए हैं जन्मदिन। क्या संदेश दे रहे हैं पार्टी के तरफ से आज जन्मदिन मनाए हैं? हम लोग यही कामना करते हैं कि हमारा जिस तरह से उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल में काम कर रहे कार्यकर्ता के जुझारू देखते हुए सबको। अब खबर कटिहार से है जहां एनएफ रेल मंडल कटिहार डिवीजन के अधिकारियों ने रेलवे आवासीय इलाके से जुड़े रेलवे क्वार्टर की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान कटिहार रेल मंडल के सीनियर डीपीओ अतुल मिश्रा ने कई अधिकारियों के साथ मिलकर रेलवे क्वार्टर के हालात पर निरीक्षण करते हुए रेलवे क्वार्टर से जुड़ी कई समस्याओं को देखते हुए उसे दूर करने के निर्देश दिए हैं। अभी यहाँ पे हम लोग अभी जो ओटी पारा में ही अभी इंस्पेक्शन चल रहा है हमारा कॉलोनी इंस्पेक्शन ग्रुप का और उसमें 35 क्वार्टर जो हैं जो हमारा ओटी पारा के इस ब्लॉक में है 651 से लेकर के 672-673 तक, ये क्वार्टर की कंडीशन अभी बहुत अच्छी है और हम लोगों ने अभी हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कार्य शुरू किया है। तो हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया बाथरूम और टाइल्स और इनकी किचन की फ्लोरिंग कैसी हो रही है तो संतोषजनक पाया गया और निश्चित तौर पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बधाई का पात्र है कि इन 35 क्वार्टर में अच्छा काम हो रहा है, ये टाइप 2 क्वार्टर्स हैं। तो इसके अलावा भी हम लोग इमरजेंसी कॉलोनी जाएंगे, आगे चल के वहाँ देखेंगे कैसा प्रगति क्या है क्वार्टर्स की, बाकी यहाँ पर संतोषजनक है और स्टाफ से भी हमने बात की, स्टाफ की फैमिली से भी बात की है तो उनकी तरफ से भी संतोषजनक जवाब प्राप्त हुआ है और यहाँ कंडीशन ठीक है क्वार्टर्स की।
दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व को लेकर बख्तियारपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में बाढ़ एएसपी भरत सोनी, बाढ़ एसडीएम कुंदन कुमार और बख्तियारपुर नगर परिषद चेयरमैन पवन कुमार और कई बुद्धिजीवियों ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में अधिकारियों ने लोगों से त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, साथ ही सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की गई है। बेगूसराय में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, वहीं बाद ही इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। इस दौरान हत्या से नाराज लोगों ने निजी नर्सिंग क्लिनिक में आग लगा दी। पूरी घटना चकिया थाना क्षेत्र के सिमरिया दो रूपनगर की है, जहां एक युवक दवाई खरीद कर घर जा रहा था, तभी अपराधियों ने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, जिससे गुस्साए लोगों ने निजी क्लिनिक में आग लगा दी है। आपको बता दें कि मृतक युवक की पहचान चकिया थाना क्षेत्र के सिमरिया के रहने वाले चंदन कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल इस घटना के बाद मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, साथ ही घना स्थल बता दें कि कई लोग पुलिस की मौजूदगी में वहां पर मौजूद हैं। मामला सामने आया था जिसमें चकिया थाना के रूपनगर गांव के अंतर्गत में एक आदमी है चंदन सिंह, उसको चोट लगी थी, वो मर गया। इसमें ये पता चला है कि चंदन सिंह एक पुराना क्रिमिनल है, हिस्ट्री शीटर है, कई बार जेल जा चुका है और ये थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त भी था। उसी गांव में एक रिया नर्सिंग होम नाम से एक छोटा सा अस्पताल बना हुआ है, जहाँ पर एक डॉक्टर हैं जिसका नाम है ये अजीत कुमार पासवान। ये डॉक्टर रेगुलर डॉक्टर हैं या झोला छाप हैं, इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है, अभी ये जांच का विषय है। आज ये पता चला है कि जो आदमी मरा है चंदन सिंह, जो जिसका लंबा चौड़ा अपराधी के इतिहास भी है, ये अपने इलाज कराने के लिए उस अस्पताल पे कई बार जाता था, पानी चढ़वाता था वहाँ पे। आज वहाँ इसकी बहस हुई, जो अस्पताल पे लोग थे उनके साथ, उन्होंने कहा कि तुम्हारा केस ऑलरेडी काफ़ी ख़राब है, आपको कहीं और जाके इलाज कराना चाहिए, लेकिन चंदन भी उस पर अड़ गया और दोनों पक्षों में बहस हुई। वहाँ पर बहस होने के बाद वहाँ पे हाथापाई हुई दोनों के बीच में, और प्रथम दृष्टि ये पता चल रहा है कि चंदन सिंह के सर पे और बॉडी के अन्य पार्ट में चोट लगी है, जिसके बाद वो गिर पे वहाँ पे मर गया। चार दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का महापर्व छठ अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है, जिसके लिए प्रदेश भर में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों शोरों पर है। वहीं बाढ़ के पंडारक में गंगा के तेज बहाव और कटाव के चलते लगभग 4-6 घंटे जो है खतरनाक बने हुए हैं। वही प्रशासनिक व द्वारा अनुसुरक्षित घाटों का निरीक्षण भी किया गया, सुरक्षित घाटों का निर्माण किया जा रहा है। छठ पर्व को लेकर क्या तैयारियां चल रही है सर? अभी तक हम लोग 21 घाट चिन्हित किए हैं, उसमें से हमारा 4 खतरनाक घाट है, जिसपे हम लोग विशेष व्यवस्था करेंगे और उसके बाद फिर उसमें गोताखोर नाविक की नियुक्ति भी कर दी गई है। और हम लोग उस दिन छठ पर्व के दिन जो है वो नाव से घूमते भी हैं, तो शाम को भी और सुबह भी दोनों टाइम पे। खबर सहरसा से है, जहां बनमा इटहरी ओपी क्षेत्र के सुगमा गांव में मारपीट के दौरान घायल महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीण ने सुगमा चौक के पास बीच सड़क पर शव रख कर सड़क जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान सड़क जाम होने से सोनवर्षा राज बनमा मुख्य मार्ग पर तकरीबन 3 घंटे तक यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया, जिसके बाद जाम हट गया। जमीन रोकल रहे, जमीन रोकल रहे तो दोनों पार्टी रुकल रहे, जबरदस्ती ले जोते ले, हम जे छे रोकल गेले हमर पार्टी, उ सब मारलके हमरा माय के, मारलके केकरा मारलके? हमरा माय के। की नाम छे माय के? लीला देवी। कते उम्र छ? के मारलके ओकरा? के मारलके? सुशील पासवान। की नाम बला तो? सुशील पासवान। कते कते जमीन रहे टोटल? कते? 2 बीघा जमीन। सोने 2 बीघा? ओकरा पर टाइटल चले रहे? हाँ, केस चले रहे। अच्छा। जबरदस्ती जोते के लिए अयले, हमरा आर के रोक लिए दो साथी, हमरा माय के मार देलके। केस के लिए तुरंत हम लोग लाए हैं, संग्रह करके अविलंब गिरफ्तार किए। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।